देखिए जो तीनों देश हैं वो यहाँ की खेती के डेथ वारंट हैं, उनसे जो ढांचा खड़ा होगा वो ये होगा कि देश का टोटल खाद्यान्न देश के चंद पूंजीपति खरीदेंगे और फिर पूरा देश उन चंद पूंजीपतियों से खरीद के खाएगा, यानी वो कम से कम रेट में खरीदेंगे और महंगे से महंगे रेट में बेचेंगे, जैसे दाल में हुआ, जैसे प्याज में हुआ, जैसे ऐसी बहुत सी चीज़ों में और होता है। जो ढांचा खड़ा किया जा रहा है वो किसान के लिए, मजदूर के लिए, जनता के लिए नहीं है, वो सारे ढांचे से जो है वो देश के पूंजीपतियों का फायदा, अंबानी अडानी जैसों का फायदा होगा या अमेरिका जैसे देशों का फायदा होगा जिनके दबाव में रहे, क्योंकि डब्ल्यूटीओ में जो चले गए हैं वर्ल्ड मार्केट के रेट में आपके किसान को मिलेंगे, तो MSP का तो महीने नहीं बचेंगे और मंडियाँ टूटेंगी। यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आगे कार्रवाई के बारे में बताएं। देखिए अभी तो हमारा 20 तक का आंदोलन तो ये है, अभी धरना है और 20 को पूरे हरियाणा के अंदर रोड जाम है और उसके बाद 25 तारीख को पूरा देश बंद की कॉल है और उसके बाद हम पूरे देश में एक आंदोलन एक समय पर करने के लिए एक मीटिंग बुला रहे हैं। 27 तारीख को जो पूरे देश के प्रतिनिधि हैं किसान संगठनों के वो मीटिंग बुला रहे हैं, उसके बाद अगले जो घोषणा की जाएगी वो पूरे देश की घोषणा होगी, अकेले हरियाणा की नहीं, अकेले पंजाब की नहीं, वो पूरे देश के आंदोलन की घोषणा होगी। सुनने में आया दिल्ली गए थे, वहाँ कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ या नहीं? देखिए सरकार अपने एजेंट पाल के रखती है, सरकार ने अपने एजेंट पाले हुए थे और वहाँ पर जो प्लानिंग थी वो ये थी कि सरकार अपने एजेंटों को किसान लीडर दिखा के और समझौता दिखा दे कि ये देखो इन्होंने हमें 8 मांगे की हैं, हमने इनकी 8 बातें मान ली हैं, हालांकि वो कुछ भी नहीं, जीरो है, तो समझौता हो गया इस सक्र उसको दबाने के लिए, उसका हमें थोड़ा सा पहले पता चल गया, उसकी पोल हमने जाके वहाँ पे खोल ली। एक तो वो BJP का था जो पट्टी से रंग, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, अतर सिंह संधू दूसरा था, अतर सिंह संधू भी BJP की बी टीम का था, वो कहता था किसान लीडर और अंबावता ग्रुप का, लेकिन अंबावता उसको निकाल दिया, व्हाट्सएप है मेरे पास उसका, लेकर निकालेगा अंबावता उसको निकाल दिया, उसके गांव में उसका बहिष्कार कर दिया। तो ये किसान लीडर नहीं थे, ये तो BJP की एक चाल थी जो हमने वहाँ जाके फिर उत्तराखंड में आप आए हो, यहाँ से दुष्यंत चौटाला जी के डिप्टी CM बने हुए हैं, कल हरसिमरत कौर ने जो कैबिनेट मंत्री उन्होंने किसान अध्यादेश के खिलाफ अपना इस्तीफा दिया है, अगर दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे तो कहीं ना कहीं इस कार्य को देखिए हम ये कहना चाहेंगे कि लोगों की भावना को ठेस पहुँचाई, लोगों ने जो वोट दिए थे anti-BJP दिए थे कि BJP ना बने, BJP किसान विरोधी है, चौटाला देवीलाल का पोता है, देवीलाल का दूसरा रूप है, ऐसी बहुत सी अफवाहें चली और लोगों ने उसको वोट दिया, उस पर विश्वास किया, लेकिन उसने विश्वासघात किया, BJP का उसको समर्थन करना ही नहीं चाहिए था, विश्वासघात किया क्योंकि BJP किसान विरोधी है, और दूसरी बात अगर कर भी दिया है तो देखिए अगर हरसिमरत कौर इस्तीफा दे सकती है तो ये अपना समर्थन मैं उसको ले सकता हूँ, मान जाना अभी टाइम है, वरना लोगों में इतना क्रोध है इसके प्रति, क्योंकि जब अपना धोखा देता है ना तो उसके प्रति दोगुना दुश्मन तो हमें मारेगा, लेकिन हम हमारे परिवार का हमें क्यों मारे, ये तो हमारे परिवार का था, ये हमें क्यों मारे, ये इसको अभी इस्तीफा दे देना चाहिए वरना लोग गाँव में नहीं। थैंक यू सर। मैं वही कह रहा हूँ कि उनको समझ लेनी चाहिए, उनको समझ लेनी चाहिए और अगर वो नहीं समझेंगे तो कल ये ना हो कि यहीं के लोगों को गाँव में ना घुसने दें, ऐसी कुछ चीज़ें उनके सामने आ जाए। धन्यवाद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।